हाय फ्रेंड्स, मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायर, गुजरात इंडिया। वैगनआर सीएनजी है फ्रेंड्स, कंपनी फिटेड के सीरीज इंजन। और इस गाड़ी के अंदर दिक्कत है कि गाड़ी पेट्रोल में सीएनजी में कंप्लीट चलता है, लेकिन जो कन्वर्ट होना चाहिए सीएनजी में वो नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो गाड़ी को करते हैं सबसे पहले स्टार्ट, इग्निशन ऑन, एसी ओपी को ऑफ करते हैं, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे गाड़ी स्टार्टिंग पेट्रोल है और सीएनजी में कन्वर्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सीएनजी का कोई लाइट नहीं आ रहा है, इंजन चेक का लाइट आ रहा है फ्रेंड्स। गाड़ी स्टार्ट है, अभी सीएनजी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। ये आरपीएम टेम्परेचर के हिसाब से सीएनजी में कन्वर्ट होता है थोड़ी देर के बाद, टाइम के बाद, लेकिन हमने चेक किया है पूरा, ये चेंज हो नहीं हो रहा है, यानी कि सीएनजी के कन्वर्ट नहीं हो रहा है। पेट्रोल के अंदर परफेक्ट है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी एसी के अंदर भी परफेक्ट है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीएनजी का कन्वर्ट नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो हम एक बार डायरेक्ट करके चेक करते हैं सीएनजी के अंदर कन्वर्ट होके स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैनुअल तरीके से करते हैं इस तरीके से। तो गाड़ी को करते हैं पहले एसी को करते ऑफ, गाड़ी को इंजन करते ऑफ, इग्निशन ऑन। अभी इस बटन को हमें होल्ड करके रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी सीएनजी के अंदर गाड़ी डायरेक्ट। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो गाड़ी स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स सीएनजी के अंदर भी, आप देख सकते हो, यानी कि गाड़ी पेट्रोल में भी ओके है, सीएनजी के अंदर भी ओके है। एसी को ऑन करते हैं, परफेक्ट है। ओनली फॉर इंजन चेक का लाइट आ रहा है और गाड़ी सीएनजी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है अपने आप मैनुअल तरीके से, तो सीएनजी पे चल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम सबसे पहले स्कैनिंग करने वाले हैं, इंजन चेक का लाइट क्यों आ रहा है, तो करते हैं स्कैनिंग। तो P0122 थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट इनपुट लो, करंट में है फ्रेंड्स। अभी इसको करते एक बार क्लियर फॉल्ट कोड, ट्रबल कोड इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमारा इंजन चेक का लाइट भी चला गया फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट है अभी भी। और यहाँ पे गाड़ी सीएनजी के अंदर भी आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर से करते हैं पेट्रोल, तो फिर से कन्वर्ट हो रहा है या नहीं चेक कर रहे हैं। अभी इंजन चेक का लाइट नहीं है गाड़ी के अंदर, गाड़ी परफेक्ट है, गाड़ी पेट्रोल में भी चालू है और सीएनजी के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, होता या नहीं। तो वीडियो को पॉज करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। कार अभी भी स्टार्ट है फ्रेंड्स और इंजन चेक का लाइट भी नहीं आया है और यहाँ पे गाड़ी सीएनजी के अंदर कन्वर्ट भी होता नहीं है, अभी भी ब्लिंक कर रहा है। तो एक बार इंजन ऑफ करके ऑन करते हैं फिर से। तो इंजन चेक का लाइट आ गया फ्रेंड्स अभी, दोबारा स्टार्ट किया तो, और यहाँ पे गाड़ी पेट्रोल में भी स्टार्ट है, कन्वर्ट होता है या नहीं चेक करते हैं। तो ये लाइट आ चुका है और फिर से स्कैनिंग के अंदर देखते हैं हम रीड फॉल्ट कोड क्या है, तो वही आया है फ्रेंड्स P0122 थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट इनपुट लो करंट। तो इसके ऊपर हम काम करने वाले अभी, तो जो पेडल है उसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी को करते हो स्विच के अंदर। अभी भी सीएनजी के अंदर तो गाड़ी कट ऑफ होता नहीं है फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यही है। तो इंजन करते हो ऑफ, तो ये चेक करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये एयर क्लीनर निकालना पड़ेगा और उसके बाद जो एक्सेलेटर का वायर रहता है बिल्कुल उसके सामने थ्रोटल बॉडी में, उसका थ्रोटल सेंसर रहता है, वो चेक करते तब तक खोलते हैं। भैया
तो ये तार टूटा हुआ है फ्रेंड्स, इसकी वजह से गाड़ी कट ऑफ नहीं हो रहा है। पहले भी एक बार काम हो चुका है, किसी ने यहाँ पे जॉइंट लगाया हुआ है फ्रेंड्स। तार यहाँ से ओपन है, तो ये सॉकेट का वायरिंग परफेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स हमने। अभी लगा देते हैं इसको हल्के से, तो ये इस जगह पे बैठता है पीछे की ओर यहाँ पे। तो ये बैठ गया है, इसको भी यहाँ पे बिठा देते हैं। इसको नॉर्मली नॉर्मल बिठा दे, अभी बाद में सही से काम करेंगे। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट सबसे पहले। इग्निशन ऑन, यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होगा पेट्रोल में। तो इंजन चेक का लाइट अभी भी है यहाँ पे फ्रेंड्स, और गाड़ी अभी पेट्रोल पे है। थोड़ी देर के बाद सीएनजी में कन्वर्ट हो रहा है, एक ने चेक करते हैं। इंजन चेक का लाइट स्टार्ट है, गाड़ी भी स्टार्ट है और सीएनजी के अंदर कन्वर्ट हो गए फ्रेंड्स गाड़ी हमारी। फिर से एक बार पेट्रोल करते हैं, तो गाड़ी पेट्रोल के अंदर भी सही है। तो सीएनजी के अंदर फ्रेंड्स हो गई कन्वर्ट, आवाज आ रहा है हमें वाल का जब ओपन होता है आगे। और ये एसी भी स्टार्ट करते हैं अभी। और ये इंजन चेक का लाइट हम हटा रहे हैं स्कैनर के थ्रू। जो थ्रॉटल पेडल पोजीशन सेंसर स्विच ए सर्किट इनपुट लो आ रहा था फ्रेंड्स, वो अभी उसका एरर निकालते हैं हम, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है। और शॉर्टअप के बाद भी यहाँ पे इंजन चेक का लाइट जा नहीं रहा है, फिर से एक बार इंजन ऑफ करके ऑन करते हैं, शायद चला जाए, कई गाड़ियों के अंदर चला जाता है। तो ये गया नहीं है फ्रेंड्स, तो हमें उसको हटाना होगा। तो हिस्ट्री के अंदर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, अब पहले जो क्लियर फॉल्ट कोड, सक्सेसफुल फॉल्ट कोड, नो ट्रबल कोड यहाँ पे फ्रेंड्स, ओके। और नीचे का लाइट भी चला गया, गाड़ी भी सीएनजी के अंदर ओके आ जाए। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड्स। तो ये गाड़ी के अंदर दिक्कत थी, मारुति सुजुकी वैगनआर कंपनी सीएनजी फिटेड सीएनजी है इसके अंदर, और ये गाड़ी कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो वो अभी हो चुका है परफेक्ट। और इंजन का लाइट भी नहीं है, गाड़ी परफेक्ट है। तो कस्टमर का इस गाड़ी के अंदर कंप्लेंट था फ्रेंड्स कि गाड़ी सीएनजी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और दो दिन से गाड़ी थोड़ा सा हल्का सा मिसिंग चल रहा है। तो गाड़ी के अंदर पहले क्या था, पेट्रोल के अंदर या गैस के अंदर गाड़ी जब भी चलाते थे तो एसी के अंदर गाड़ी बंद हो जा रही थी। जैसे स्पीड ब्रेकर आता है, क्लच दबाते हैं, एक्सीलेटर से पैर लेते हैं, ब्रेक दबाते हैं या गाड़ी खड़ी करते हैं, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। और उसके बाद गाड़ी कन्वर्ट होना भी बंद हो चुकी थी जो सीएनजी के अंदर। तो आज हमने सब कुछ चेक किया फ्रेंड्स, तो ये जो थ्रॉटल पेडल पोजीशन का जो सेंसर है उसका वायर कटा हुआ था, तो हमने लगा दिया, तो वो जो कोड आ रहा था डीटीसी वो क्लियर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।